तो बेटा असी जवाहर नवोदय विद्यालय की जिहड़ी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। असी इस तो पहले तुहानूं भाग छे तक दीआं वीडियो समझातीआं है, मतलब हर भाग दे विच चार चार सवाल आणगे ते 24 सवाल, छे भाग दे विच 24 सवाल जिहड़े है किस तरह दे आणे उह तुहानूं पुरानीआं वीडियोस दे विच दस दित्तीआं है। इह साडी 7वीं 8वीं वीडियो है ते भाग 7 जिहड़ा उहदे लई है। भाग 7 दे विच तुहानूं 25 26 27 ते 28, ठीक है, छे भाग दसते हैं। ठीक तो लैके छे हरेक दे विच चार चार ते छे चौके 24 क्वेश्चन वो जिहड़े पूरे हो गए है। ते भाग 7 जिहड़ा 25वां 26वां 27वां ते 28वां सवाल इस तरह का होएगा, इहदे नाल रिलेटिड होएगा। तां इस दे विच जिहड़ा है बच्चों ज़्यादातर मैं तुहानूं पहले वीडियो च दस्या सी कि मिरर इमेज शीशे दे विच देख के असी जिस तरह का इमेज बनता है वो इस तरह दे इहदे विच सवाल आउंदे हन। जिदा असी शीशे दे विच तुसीं अज तो ध्यान नाल अपना शीशा देखो ते कई चीज़ां सीखण की कोशिश करो। कई बार असी शीशे दे मोहरे मान लो ए लिख के शीशे मोहरे सामने पढ़ना कि उधर ए किदां दिखता है, बी लिख लिया तो शीशे च बी किस तरह का दिखता है, ठीक है। इस तरह असी शीशे च देख के उहदी प्रैक्टिस करदे हां। सो इहनूं समझाउण तो पहला मैं सवाल ड्रा करन तो पहला मैं थोड़े तुहानूं बेसिक चीज़ां मिरर या शीशे दीआं जिहड़ीआं हुंदीआं मिरर इमेज दीआं मिरर दीआं थोड़ीआं उह दस देवां। फॉर एग्जाम्पल जे आपां मान लो ए लिखदे हां, बी लिखदे हां, सी डी ई एफ, अगर आपां इत्थे मिरर ला दईए, ठीक है, आपां इत्थे मिरर शीशा ला दईए, मान लो मिरर नूं असीं इस तरह दसदे हां। हुण मिरर तो उस पासे ए किस तरह दिखेगा, बिल्कुल ए इस तरह, ए वाला पासा इसी साइड होएगा, सो बिल्कुल ए इसी तरह दिखेगा। बी का देखो जो हिस्सा मिरर वाला है ना, ये गोल पासा, ये दो टिप ये इधर नहीं होने बी होते तो इस तरह होएगा, ठीक है, ए हिस्सा मिरर वाल, ये हिस्सा मिरर वाल। हुण सी का मुँह देखो खुलिया पे, खुलिया मुँह जोड़ा मिरर वाला है तो इधरों भी तो जोड़ा खुलिया हुआ मुँह है वह मिरर वाल ही लैना तुम्हें इस तरह लैना, ठीक है। फिर इस तरह गोल होंदा पे मिरर तो इस तरह तो मिरर तो बिल्कुल इस तरह दूर होंदे जांदे हुए, ठीक है। हुण इत्थे डी लै लईए, डी दी अगर सीधी लाइन है तो यह जो डी का गोल हिस्सा है मिरर वाल है तो डी का गोल हिस्सा मिरर वाल होना इस तरह जो डी बनेगा। ई दे जे उधर नूं मूंह है तो ई दा मूंह इधरों ती मिरर वाल होना, ठीक है। तो एफ का मूंह जे उधर नूं है तो एफ का उधर नूं होना। जे मान लो ओ ले लईए तो वह बिल्कुल उसी तरह होएगा क्योंकि दोवें हिस्से जो इको जे है तो दोवें हिस्से इको जे होने। इस तरह मिरर के असी ये चीज़ बनाते हैं। होर मान लो एग्जाम्पल असी फड़ लईए, जे असी मान लो ये एरो बनाई है, जे मान लो इधर नूं एरो है इस तरह तो ये मिरर है तो फिर एरो इस तरह नूं इधर नूं ही झुकी हुई बननी है। जे मान लो इस तरह की एरो बनाई असी तो मिरर तो उस पासे जाके एरो का मुंह उधर नूं है ना तो ओबियसली एरो का मुंह मिरर वाल होके इस तरह तक होगा, ठीक है। जे पी एक तरह बनाई है पी का मुंह उधर नूं है तो मिरर के विच भी पी का मुंह उधर नूं होगा, ठीक है। ये तुहानूं बस इहदे विच एक छोटा सा लॉजिक है कि जिसकी शक्ल अगर इसका पी का जिस तरह मुंह मिरर वाल है तो उधरों से भी उहदे वल कर देना। इहनूं पुट्ठा करन की कोशिश नहीं करना, इहनूं पुट्ठा करता या इदां करता यह सब नहीं हुंदा है, ठीक है। सिर्फ ओदा मुंह उधर नहीं होता है, ठीक है। मान लो एक आ चित्तर है, ठीक है, जे आ बना दी ए हिस्सा इहदा इधर नूं है तां बिल्कुल इसी तरह होना ते ए हिस्सा जिहड़ा इधर नूं हो जाना बस, ठीक है, एक दूजे दे आमने सामने इस तरह मिरर इमेज बनते हैं। हुण इदां दे इस तरह के कुछ मैं सवाल तुहानूं ड्रा करके मेरे ख्याल नाल तुहानूं ये बिल्कुल क्लीयर हो गया होना। फिर आपां सवाल दे विच असीं करन तुहानूं समझांदे हां, मैं तद तक ड्रा करदा। तो बेटा इसके नाल रिलेटिड जिहड़े है मैं 3 सवाल ड्रॉ कर ले है, 3 एग्जाम्पलां लईआं, अज उह इहनां नूं सॉल्व करिए। देखो पहला ये चित्र है तो मिरर इमेज लाया, इसते मिरर के सामने किस तरह बनूगा। देखो जो हिस्सा क्या सी मैं ये हिस्सा मिरर वाल होना, ये हिस्सा मिरर तो दूर होना, एक हिस्सा एक पासा इधर नूं एक पासा दूजे पासे। हुणे देखो दोवें इको साइड ते हो गए तो यह गलत है, इदा नहीं हो सकता। दोवें इको साइड ते हो गए तो यह भी गलत है, यह भी नहीं हो सकता। हुण ये दोवें ओपोजिट साइड ते असी इन्हां चों फाइंड आउट करना, ये हिस्सा उपरला मिरर वाले पासे ठीक है, तो ये परे ठीक है, लाइना ठीक है, ये ठीक हो सकता है। अगला चेक कर लीजिए, इहनूं देखदे हुए ये भी इदां
ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 26ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ जे असी चाहिए तो इतने बना भी सकते हैं मान लो इतने मिरर बनता आप बना के देख लिए पटती ए मिरर वल तो ये एरो दूर पासे ए मिरर वल तो ये दूर पासे तो यदि उपर नू तो यदि थले नू ये नहीं चेंज होनी इदा तो है कोई ए एक दोवे थले नू हो गए जबकि एक उपर नू तो एक थले नू ये नहीं चेंज होने ये नहीं हो सकता दोवे उपर हो गए ये पासे ये भी नहीं हो सकता ए उपर नू ए थले नू पर ए जड़ा एक थले नू एक उपर नू ते ए दोवें एक साइड ते होने चाहिए मिरर वाले पासे इधर नू पर ए देखो एक इधर हो गया एक इधर हो गया ता ए भी नहीं हो सकता अगला देखो साढ़े नाल बिल्कुल मैच करता होना ए दोवें जड़े है इस पासे एरो एक उपर एक थले ठीक है सो ओ डी आएगा क्लियर रखो असि बिल्कुल इतने बनाने की कोशिश भी कर सकते ए बनाओ एन देखो ए हिस्सा मिरर वल इधर नु बना दो चाहे तुम ए इदा बनाया उस तो बाद एन इस तरह देखो एन पुठी हो जाती जे उपरों की थले आती ना तो ए इदा हो जानी एन एन नु समझना जरूरी है मान लो इस तरह एन है इदा मिरर इमेज आ पासा इधर नु बना इदा इस तो बाद उपर नु इदा फिर इदा इदा एन बननी है जे इधरों जोड़िया ना तो इधरों जुड़ना ठीक है ये ध्यान रखना है सो एन ए एन सीधा ही है ए नहीं हो सकता ए बिल्कुल हो सकता ए एन पुट्ठा ठीक है यू बिल्कुल उसी तरह है ना ते पी दा मुंह यू वाल पी दा मुंह यू वाल पी दा मुंह यू वाल आना चाहिए मेरे ख्याल से सही है ए उल्टा हो गया इदा तो होना नहीं ए उल्टा हो गया इदा का भी नहीं होना ये ध्यान रखना पी दा मुंह यू वाल तो पी दा मुंह युवा ती होना ठीक है क्लियर है समय लगी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ते इसके नाल एक अद्धा सवाल मैं होर बना के तुहानू समझा देना वो भी देख लो तुसी सो बेटा मैं एक होर एग्जाम्पल ते इसे नाल दीयां एग्जाम्पलां कुछ लैके तुहानू समझाने हैं तो दसो फिर इहदा किहड़ा आंसर होएगा यस सोचो तुहाडे सामने है वीडियो नू रोक करके अपना आंसर देख सकते हैं हाँ शायद तुम देखा होना सो आज देखिए ये देखो ये हिस्सा जिहड़ा मिरर वल तां ये हिस्सा सानू मिरर वल चाहिए ते दूजे पासे जिहड़ा है गोले दे नाल इस तरह दे लाइनिंग है पर इहदे गोले दे नाल इस तरह दी लाइनिंग ओपोजिट ही काम हो गया गलत है सो ये भी मिरर वल ये पासा नहीं है सीधे कट सकते हैं ये भी मिरर वाले पासा नहीं है सीधे कट सकते हैं पर ये पासा मिरर वल इस चित्र विच है फिर ए जिहड़े डबल लाइन आ ए दूर है मिरर तो ऑब्वियसली दूर है मिरर तो फिर ए हिस्सा मिरर तो दूर है ए हिस्सा मतलब मिरर तो परे है ए मिरर तो परे है ए दूजे पासे जिहड़ा एरो हेड है वो मिरर वाल है फिर एरो हेड है वो मिरर वाल है ठीक है ए मिरर वाल है ठीक है तो इहदा आंसर की होएगा डी डी इज दी राइट आंसर ठीक है बहुत आसान है तो सिर्फ यही चीज रखना कि किड़ा पासा उदा मिरर वाल है ते किड़ा पासा मिरर वाल तो परे है ठीक है ते चेंज नहीं लेना पुट्ठा नहीं करना जितना ये है उन्हें पुट्ठा नहीं कर देना ठीक है जितना फॉर एग्जांपल मैं हम सारे चित्र नहीं बनाए है तो देख लेता क्लास मैं सिर्फ लिख के देख देना कि मिरर दे विच क्लास किस तरह लिखा देना देखो ए पासा पहले मिरर वाल यानी ए एस इस तरह ऐसे नहीं बनना है सीधा हो गया ए एस दा मुंह मिरर वाल ए इस तरह उठ के इस तरह ठीक है ए मिरर तो दूर ए मिरर तो इधर नु है तो ए मिरर तो उधर नु है बिल्कुल इस तरह फिर दूजा एस इस एस वाले मुंह करके इधर ही बिल्कुल एस ठीक है डबल एस हो गया ए जड़ा इधर ही होगा ठीक है तो एल का मुंह जड़ा थलड़ा देखो ए वाला है थलड़ा पासा ए वाला है तो थलड़ा पासा ए वाला है के ऊपर नु चक दो बिल्कुल इधर मुंह ए वाला देखो सी दा मुंह एल वाल खुलिया तो सी दा मुंह एल वाल खोलना ये तो क्लास आ गया तो शीशा लेके क्लास में पढ़ोगे तो हमें क्लास सीधा एक क्लास पुट्ठा देखना ठीक है अगला देखो फैन देख लीए हूँ फैन एन मैं तुम्हें दसता सी इस तरह बना के उपरों थले इस तरह जुड़िया तो ये एन इस तरह क्योंकि ये हिस्सा
मिरर तो दूर ते ए हिस्सा मिरर तो दूर चल जाना, ए दूर है ते ए दूर चल जाना, ए हिस्सा लागे ते थर्डा पासा लागे आ जाना, ए ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह एन बनना है। क्लियर, ए साडा एन बन गया। उस तो बाद ए बिल्कुल उदे ही रहना, कई वर्ड जिदा ए है ओ है आई है इन्हां च ज्यादा चेंजेस नहीं आता। एफ दा मुंह ए वल तो एफ दा मुंह ए वल। ठीक है, इस तरह तुहाडा फैन बन जाना। ठीक है, जेड ए देखो, ए टेप इधर रखनी तो इधर परे वाल है तो परे वाल लाइन चल जानी। उस तो बाद इतों ती इधर है तो इतों ती इधर, उस तो बाद मिरर वाल तो मिरर वाल, इस तरह पुट्ठा। बाकी उपर नो एक थले नहीं कोई चेंज होना, दिस इज इधर मिरर इमेज। भी बड़े आसानी आंसर लभ लेना, तो ये वो तो वह प्रैक्टिस करो, ये तो चार नंबर थोड़े पक्के होने चाहिए। एक्चुअली हर पार्ट के जिस तरह मैं तुम्हें समझाए, हर वीडियो तुम मेरी बड़े ध्यान देखोगे तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो सारे ही नंबर पक्के होने, नवोदया में सिलेक्शन मस्ट भी होएगी। ठीक है, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, जी मैं बार बार तुम्हें कहता प्रैक्टिस ना ही थोड़ी बड़ी तेजी ते बड़े जल्दी नाल बड़ी करैक्ट करैक्ट जरा वर्क कर पाओगे तो मैक्सीमम नंबर ले पाओगे। वीडियो देखो, सबसक्राइब करो तो होर भी शेयर करो ताकि वह भी जोड़ी इसकी तैयारी कर सकते। अगले वीडियो आप सात भाग अठ के मिलेंगे, और चार सवाल जोड़े पैटर्न के आप अगले वीडियो के लिए करेंगे। तब तक ओके।